बेरोजगारी भत्ता उठाने में भी अब युवाओं को सरकार की लोबी के अनुसार चलना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले बेरोजगार युवाओं को खुश करने के लिए बेरोजगारी भत्ता 500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया, लेकिन सरकार ने इसके पीछे के पेच युवाओं को नहीं बताए। इस योजना का सबसे बड़ा पेच है जिन युवाओं ने भाजपा सरकार के समय 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता उठाया है, वह युवा इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पात्रता में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही कई युवा जिन लोगों ने सरकारी योजना के तहत या अपनी छात्रवृत्ति का फायदा ले रखा है, वह युवा भी बेरोजगारी भत्ते के इस दायरे में नहीं आने वाले। पाली जिले की बात करें तो पिछले 2 माह में जब से सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है, उसके बाद 3000 बेरोजगार सामने आए हैं जो इस योजना के तहत पात्र माने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस की सरकार आने पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसका पुराना नाम अक्षय योजना बेरोजगारी भत्ता के लिए थी, उसमें राशि बढ़ाकर 650 से 3000 रुपए कर दिए। 750 थी उसको 3500 रुपया कर दिया गया। इसमें उम्र है ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष है, एससी एसटी और महिलाओं के लिए 35 वर्ष। इसमें जो पहले लाभ ले चुके जो अभ्यर्थी है वो इसका दोबारा फायदा नहीं ले सकते हैं। किसी छात्रों जो छात्रवृत्ति उठा रहे हैं स्कूल से मिली हुई या कॉलेज छात्र है, तो क्या वो भी इससे पात्र रहेंगे? नहीं, एक जगह से वो लाभ उठा सकते हैं, दोनों जगह से किसी भी सरकारी एक योजना का लाभ।